आज के दौर में हर इंसान को सतर्क रहना होगा, चाहे वो पुलिस वाला हो या पिज्जे वाला। हम आज पिज्जे वाले इमरान के लाइफ के 5 पहेलियां सॉल्व करेंगे। आइए। इमरान एक आलीशान ऑफिस में पिज्जा लेकर जाता है। वहां 3 लड़कियां काम कर रही हैं। इमरान को देखते ही तीनों लड़कियां कहती है, हमने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। पर इमरान श्योर है कि इनमें से एक लड़की ने पिज्जा ऑर्डर किया है और वो झूठ बोल रही है। कौन है वो, बताइए कमेंट में। ये रहे 10 सेकेंड्स। दोस्तों, तीनों के कंप्यूटर स्क्रीन्स पर पिज्जा सर्च चल रहा है, पर बी के स्क्रीन पर जो पिज्जा कंपनी का कंफर्मेशन है वो इमरान की कंपनी है। ये देखिए, दैट्स करेक्ट, इसी ने ऑर्डर किया है पिज्जा। इमरान उसे पिज्जा दे देता है और पैसे ले लेता है। अगला पिज्जा लेकर इमरान पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वालों ने एक बड़ा पिज्जा मंगाया है। वो लोग एक केस सॉल्व करते करते फंस चुके हैं। इस चोर ने चोरी का माल कहीं छुपाया है और वो बता नहीं रहा है। पुलिस को लगता है कि चोर ने 3 जगहों में से एक जगह पर चोरी का माल छुपाया है। ए, गार्डन में, बी, कंस्ट्रक्शन साइट में, और सी, वाटर पार्क में। क्या आप बता पाएंगे कि चोरी का माल कहां है? ये रहे 10 सेकेंड्स। दोस्तों, चोर ने चोरी का माल गार्डन में छुपाया है। इसके बदन पे कांटे चुभे हैं जो ना ही कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं और ना ही वाटर पार्क में। That's correct. हो ना हो गार्डन में ही चोरी का माल है। पुलिस गार्डन पहुंच जाती है और माल बरामद कर लेती है। इमरान की समझदारी के लिए एक लाइक ठोकिए। जलती हुई बिल्डिंग में इमरान फायर फाइटर्स के लिए पिज्जा लेकर जाता है। वो बताते हैं कि इस घर में आग लग गई है और सब कुछ जल गया है। सिक्योरिटी गार्ड बहुत बहादुर है। वो अंदर जाकर सारा सोना, हीरा और पैसे बाहर निकाल रहा था, पर संदूक इतना गर्म हो गया कि उसने आग पकड़ ली। बाहर आते आते सब जलकर राख हो गया। इमरान पुलिस से कहता है कि सिक्योरिटी वाला झूठ बोल रहा है और उसे अरेस्ट कर लीजिए। पर क्यों, क्या झूठ बोला सिक्योरिटी वाले ने, बताइए आप हमें 10 सेकेंड्स में। दोस्तों, आग से ना तो हीरा जलता है और ना ही सोने चांदी। सिक्योरिटी गार्ड ने हीरे और सोने चांदी को ठिकाने लगा दिया है। मौका देखकर इसने चौका मारा है, ये इसकी चाल है। इमरान सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट करवा देता है। इमरान पिज्जा डिलीवर करने हिल टॉप हाउस जाता है। एक हाथ दरवाजे के बाहर आता है और पिज्जा ले लेता है। थोड़ी देर में पता चलता है कि वहां दादाजी का खून हो गया है। ए, बी और सी तीनों कहते हैं कि वो घर पर थे ही नहीं। पुलिस इमरान को पूछताछ के लिए बुलाती है और कहती है कि पहचानो इनमें से किसने पिज्जा डिलीवरी ली है। क्या आप इमरान की मदद कर पाएंगे?
ये रहे 10 सेकेंड्स। दोस्तों रिस्ट बैंड और घड़ी हटाई या निकाली जा सकती है। That's correct. जो नहीं चेंज किया जा सकता वो है ये टैटू। That's correct. देखिए जो हाथ पिज्जा लेने बाहर आया था उस पर ये वाला टैटू था। यही है अपराधी जो बैंड और घड़ी खोल चुका है। That's correct. यही है खूनी। इमरान बी को अरेस्ट करवा देता है। थका हारा इमरान अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है पर वहां भी चैन नहीं है। एक लड़की जोर जोर से चिल्लाती है कि उसके पिज्जा में कॉकरोच दिखा है। इमरान का रेस्टोरेंट बहुत साफ सुथरा है, वहां पर कॉकरोच होना नामुमकिन है। That's correct. इमरान रेस्टोरेंट को ध्यान से देखता है और पता लगा लेता है कि किसने की है ये बदमाशी। क्या आपको पता चला? ये रहे 10 सेकेंड्स। दोस्तों ध्यान से देखिए इस इंसान को। इसके टेबल के नीचे है ग्लोव्स और ये डब्बा। इसने जानबूझकर रेस्टोरेंट में कॉकरोच छोड़ा है ताकि पिज्जा शॉप बदनाम हो जाए। That's correct. इमरान इस आदमी को उठा के बाहर फेंक देता है। रुक, तेरा डब्बा भी ले जा। तो ये थी आज की पहेलियां। कितने सॉल्व किए आपने? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में और एक साथ देखेंगे क्यूरियस माइंड।